बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ इरफान साबिर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एग्री एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग। दोस्तों, आज हमारा जो मौजू है वो है कि कमज़ोर जानवरों को किस तरह मोटा और फरबा किया जाए। सीधी बात है कि कमज़ोर जानवर जो होता है वो एक तो मालिक को कोई नफ़ा नहीं देता और दूसरा जब उसकी सेल की जाए तो ख़रीदने वाला उसको बिल्कुल औने पौने ख़रीदने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें कोई कशिश नहीं होती, उसके खूबसूरती उसकी नहीं होती। और जो जानवर बेशक नस्ल में थोड़ा कम हल्का भी हो, लेकिन जब उसके ऊपर खून चढ़ जाता है, गोश्त आ जाता है, तो यकीनी बात है कि ख़रीदने वाला फिर उसको बड़ी शौक़ से ख़रीदता है, क्योंकि वो पुरकशिश और जाज़िब नज़र दिखाई देता है। इसी हवाले से आज हमारी ये वीडियो है और उम्मीद है कि दोस्तों को हमारी इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होगा। इससे पहले कि हम वीडियो की तफसील में जाएं, आपको नुस्खा बताएं, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाईजान, गुजारिश ये है कि ये हमारा जो नुस्खा है ये बहुत सस्ता है, कोई इतना महंगा नुस्खा नहीं है और ये आम आप ख़रीद सकते हैं। ये तकरीबन ये चीज़ें अपने घर में भी अवेलेबल होती हैं, नहीं तो बाज़ार से ही बंदा ख़रीद सकता है। गुजारिश ये है कि कमज़ोर जानवर जो है उसको सबसे पहले उसकी आपने डिवर्मिंग करनी है, अंदर की डिवर्मिंग, अंदरूनी डिवर्मिंग और बैरूनी डिवर्मिंग। अंदरूनी जो डिवर्मिंग है उसके लिए आप 5 दवाई का इस्तेमाल करें और उसके बाद आफ्टर 1 वीक आप फिर दोबारा उसकी डिवर्मिंग करें। उसके बाद जो है आपने बैरूनी डिवर्मिंग करनी है, उसके लिए एवरमेक्टिन बहुत बेस्ट है। एवरमेक्टिन इंजेक्शन जो है ये आम मिल जाता है, वो जल्द के अंदर लगाया जाता है, जिससे उसके ऊपर जो चिच्चड़ होते हैं वो सब ज़ाय हो जाते हैं और गिर जाते हैं, क्योंकि चिच्चड़ जो है वो एक दिन में 1 cc खून पीता है जानवर का। तो अगर चिच्चड़ों पर होंगे तो साफ ज़ाहिर है कि फिर जानवर को आप जितनी भी खुराक खिलाएंगे तो वो चिच्चड़ों की तरफ चली जाएगी, जानवर को उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये चीज़ें आपने शुरू में सबसे पहले ये करनी है। उसके बाद जो अगला आपका स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने जानवर की जो जगह है वहाँ पर आपने स्प्रे करना है, या उस जगह से एक दो जानवर है आपका और आप घर में रखे हुए हैं तो उसकी जगह चेंज कर दें। अगर आपका मुस्तकिल शेड है तो वो तो फिर चेंज नहीं किया जा सकता, तो फिर आप उसकी जगह पर चूना डाल दें और स्प्रे करवा दें लिम्डा का 2 दफ़ा, एक दिन और फिर दूसरे दिन लिम्डा का अच्छा सा स्प्रे कर देंगे तो उसकी जगह भी साफ़ हो जाएगी। अब आते हैं कि वो नुस्खा कौन सा है जो कि हमने आपके लिए तजवीज़ किया है। तो उस नुस्खे में सबसे पहले आपने हल्दी लेनी है जी, 200 ग्राम हल्दी। ये मैं आपको एक दिन का इनका जो वज़न है वो बता रहा हूँ। 200 ग्राम हल्दी ये बड़ी गाय के लिए है। अगर आपके पास छोटी बछड़ी या बछड़ा है या कट्टी कट्टा है तो उसके लिए आधा यानी 100 ग्राम हल्दी होगी। दूसरे नंबर पर है जी आधा किलो दही बड़े जानवर के लिए, छोटा होगा तो उसके लिए 1 पाव दही होगी। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो है तिलों का तेल। तिलों का तेल जो है वो आपने 200 ग्राम बड़े जानवर के लिए लेना है। अगर आपके पास तिलों का तेल जो है वो अवेलेबल नहीं है तो फिर उसकी जगह पर आप सरसों का तेल, जो मीठा तेल होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तिलों का तेल बहुत बेस्ट है। कोशिश करें कि तिलों का तेल ही आप लें। ये 3 चीज़ें आप जब इनको इकट्ठा करें, मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद वो आपने जानवर को देना है। और याद रखें कि शाम के वक्त दें, सारा दिन जानवर जो है आपका खा पी के शाम को जब फारिग होगा तो उस वक्त उसको आपने ये नाल के साथ आपने इसको देना है। और अगर इसमें थोड़ा बहुत रोटी भोर दी जाए और एक परात हो उसके अंदर ये चीज़ें डालकर ऊपर रोटी भोर कर रख दें तो मेरा ख्याल है कि इस तरह भी जानवर खा लेगा। ट्राई कर लें, अगर इस तरह खा लेगा तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए नाल से देने में, नहीं तो फिर नाल के ज़रिए ही आप उसको दें। ये नुस्खा आपने 15 दिन यूज़ करना है लगातार। इसके अलावा आपने खुराक जो रूटीन की आपकी है वो आपने उसको खिलानी है। 15 दिन तक इसका जो अंदर का जितने भी इसके वर्म होंगे, अंदर जो भी इसके मसला होगा, बिल्कुल वो क्लियर हो जाएगा जानवर का और वो रेडी होगा डिवेल्प होने के लिए। तो उसको अब आपने खुराक खिलानी है और खुराक क्या देनी है, आपने फैटनिंग वाला वंडा जो है वो आपने देना है और स्टार्ट आपने करना है 1/2 किलो फर्स्ट टाइम, 1/2 किलो सेकेंड टाइम।
ये आपने 15 दिन देना है, उसके बाद 1 किलो फर्स्ट टाइम और 1 किलो सेकेंड टाइम, ये आपने उसको जारी रखना है। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 माह का ये कोर्स आपने करना है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 3 माह के बाद आपका जानवर बहुत तगड़ा और मोटा ताज़ा हो चुका होगा, और आप वज़न उसका कर लेना जितना वज़न स्टार्ट में होगा, एट द एंड उससे डबल के लगभग उसका वज़न हो चुका होगा, और आपका जानवर सेहत और खून में बड़ा परफेक्ट और चमकदार नज़र आएगा। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।